बख्तावर आई मां। अरे बख्तावर, इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, क्या कर रही थी? बताया तो था तैयार हो रही हूँ, नेमा की मायो है ना? हाँ मायो तो वो बैठ रही है ना, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? जाओ जाके मुंह धो के आओ। क्यों मुंह धोऊं माँ, एक इकलौती तो सहेली है मेरी, और ये अरमान मैंने कौन सा अपनी बहन की शादी पे पूरे किए थे, और कौन सा मैं रोज रोज तैयार होती हूँ। ठीक है ना, अपनी शादी पे सारे अरमान पूरे कर लेना। झुमके बड़ी मुश्किल से छुपा के रखे मैंने तुम्हारे बाप से झुमके, किसी दिन भी वो झूमता झामता नशे की हालत में आया ना, और अगर उलझी नजर पड़ गई इन पे, वो ले जाएगा इनको भी चोरी करके। ये वैसे भी नहीं बचने, अच्छा नहीं है जब मौका मिले पहन के शौक पूरा कर लूं, और मैंने कोई शादी वादी नहीं करनी, बाप जैसे शौहर निकला मेरा तो एक दफा भी गहने पहनना नसीब नहीं होंगे। कैसी बातें कर, अल्लाह ना करे ऐसे इंसान के साथ तुम्हारी शादी। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं बेटा। अगर सारे मर्द एक जैसे नहीं होते ना माँ, तो सारी औरतें भी एक जैसी नहीं होती। मुझे तुम्हारे और नसीमा की तरह नहीं बनना, घर पे नहीं बैठना, मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है और कुछ करना है। जो चाहे करो, लेकिन फिलहाल तुम बाहर जा रही हो, अपने को ढाप के जाओ। सारे महल्ले वालों को पता है कि तुम कॉलेज जाती हो, और अगर उन्हें बुरा लग गया तो। ना अच्छा लगे, हम इनका दिया नहीं खाते। ये ना भूलो कि तुम्हारे मामा मामी भी इधर ही रहते, उनका दिया तो खा रहे ना।